अमरी अटारी नमस्कार, मेरा नाम नवेंद्र सिंह है। ट्री ऑफ स्किल्स में मैं कथक डांस टीचर हूँ। आज हम जानेंगे कथक के घरानों के बारे में, तो चलिए शुरू करते हैं। कथक नृत्य में मुख्यतः तीन घराने हैं, लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना। तो सबसे पहले लखनऊ घराने के बारे में जानते हैं। लखनऊ घराने की शुरुआत ईश्वरी प्रसाद जी से मानी जाती है। माना जाता है उनको भगवान श्री कृष्ण ने सपने में आकर उन्हें इस नृत्य के द्वारा भागवत बनाने की प्रेरणा दी। इस घराने के बिंदादीन महाराज जी ने 15,000 ठुमरियों की रचना की और उन्होंने इसे अभिनय के द्वारा प्रदर्शित किया। लखनऊ घराना कथक नृत्य में प्रमुख घराना है। इसमें अंगों की बनावट पर विशेष ध्यान देते हैं। इसमें थाट बनाने का विशेष अंदाज है और इसमें गत निकास की प्रस्तुति अधिक होती है। अब हम जानते हैं जयपुर घराने के बारे में। जयपुर घराने की शुरुआत भानु जी ने की थी। भानु जी ने किसी संत के द्वारा तांडव नृत्य की शिक्षा प्राप्त की। इस घराने के नर्तक हिंदू राजाओं के दरबारों से अधिक संबद्ध थे, अतः इनके नृत्य में जोश और तैयारी अधिक दिखती है। पखावज की मुश्किल तालों पर भी यह आसानी से नृत्य कर लेते हैं। इसके साथ ही भाव प्रदर्शन में यह भजन पदों पर भाव दिखाते हैं। बनारस घराना, बनारस घराना यह कथक नृत्य का तीसरा प्रमुख घराना है। इस घराने को जानकी प्रसाद जी ने शुरू किया था और यह वाराणसी के निवासी थे। बनारस घराना शुद्ध नृत्य के बोल, सात्विक भाव और तत्कार पर आधारित है। इसमें बोलों की पैरों की निकासी पर अधिक ध्यान दिया जाता है। इसमें तत्कार में एड़ी का प्रयोग ज्यादा होता है। इस घराने में भाव की शुद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं लखनऊ, जयपुर और बनारस घराने में होने वाले चक्कर के कुछ अंतर को। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लखनऊ घराना, फिर जयपुर घराना, फिर बनारस घराना का चक्कर देखेंगे। लखनऊ घराने का चक्कर। जयपुर घराने का चक्कर। बनारस घराने का चक्कर। तो जैसा कि अभी आपने देखा, लखनऊ घराने का चक्कर सीधा चक्कर, जयपुर घराने का चक्कर मुक्त फेरी का चक्कर, और इसके बाद बनारस घराने का चक्कर सीधा चक्कर और उल्टा चक्कर दोनों, ठीक है। तो ये है इन घरानों की चक्कर लेने की विशेषता।